हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन। और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सदाबहार और यानी कि पेरिविंकल के फूलों के साथ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको ये भी दिखाना चाहती थी कि देखिए मेरे एक छोटे से प्लांट पे कितने प्यारे प्यारे और कितने सारे जो है पेरिविंकल के सदाबहार के फूल आ रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सिक्स है, हाँ सिक्स है। और एक दो ये सुबह खिल के जो है गिर चुके हैं। तो आप देखिए ये छोटा सा एक पॉट है, बहुत ही छोटा सा पॉट है। ये देखिए इतना सा पॉट है, बस इतना सा। और इसके अंदर मैंने इतनी सी मिट्टी भर रखी है, इतनी सी। और मिट्टी भी नहीं है, ये कोकोपिट है एक्चुअली में। मैंने कोकोपिट को इसमें थोड़ा सा सेव करके रखा हुआ था। और जयपुर से मैं एक पौध निकाल कर लाई थी सदाबहार की, ये हाइब्रिड का है, देसी वाला नहीं है। तो ये मेरे पास था नहीं, तो मैं ये निकाल कर लाई थी और मैंने इसी में लगा दिया था। और जब से इसी में है, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है छोटे से ही फूल पे। मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कि हाइट में छोटे होते हैं और उस पर प्लांट जो है उसकी हाइट छोटी होती है और उस पर जो फ्लावरिंग है वो ज़्यादा होती है, ताकि वो पूरा लीव्स कम दिखते हैं, फ्लावर ज़्यादा दिखते हैं। और पॉट भी बहुत छोटा सा है, तो मैं इसको कभी अपने बेडरूम की विंडो में, क्योंकि वहाँ मेरे बेडरूम की विंडो में भी सन रेज भी आती हैं अच्छी और धूप भी मिलती है उसको, और विंडो ओपन रहती है तो उसे हवा भी मिलती है। और एक प्लांट को यही चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। और मैं इसको बाहर रखना चाहती हूँ तो मैं बाहर भी रख देती हूँ। छोटा सा है, मतलब कहीं पे भी उठाओ उसको और कहीं पे भी ले जाओ, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और तो राज की बात यह है कि छोटे से पॉट में भी आप थोड़ी सी मिट्टी डालकर भी और ज़्यादा से एक छोटे से प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा। एक तो आप अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग मत कीजिए। इसकी मतलब ऐसे आपको कोई छोटे पॉट में अगर लगाना है तो उसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए आप, मॉइस्ट। उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए और उसको डेली डेली पानी ना देने की बजाय उसमें मॉइस्चर बना रहे, उसमें नमी बनी रहे। इससे क्या होगा कि देखिए हमारी स्किन में अगर मॉइस्चर बना रहता है तो हमारी स्किन कितनी अच्छे से ग्लो करती है और कितनी मॉइस्ट रहती है, कोई बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहती है। ऐसे ही प्लांट होता है, इसकी पीली पत्तियाँ ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। पीली पत्तियाँ पड़ने से हम इसकी पत्तियाँ हटाते रहते हैं और पत्तियाँ बहुत ही कम हो जाती है, जो टहनी टहनी है वही रह जाती है, तो प्लांट हमारा हेल्दी नहीं रहता। तो हेल्दी प्लांट को रखने के लिए जो है वाटरिंग कम कीजिए, मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलाकर थोड़ी सी नीम खली ज़रूर डालिए, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का काम करती है। और इससे आप अपनी जो पॉट की मिट्टी मिक्स सॉइल है वो तैयार कर सकते हैं। और छाछ का स्प्रे इस पर करते रहिए, नीम ऑयल का स्प्रे इस पर करते रहिए। इसमें मेलीबैग्स और कोई पेस्टिसाइड मत लगने दीजिए, और ये वेट मत करिए कि वो लग जाए उसके बाद में हम पेस्टिसाइड का जो है स्प्रे करें, पहले ही कर दीजिए। और पेरीविंकल सदाबहार फ्लावर जो है वो एक पूरे साल चलने वाला फ्लावर है। आप इसे छोटे से पॉट में कोई भी पिटूनिया लगा सकते हैं, इस टाइम पे पिटूनिया का सीज़न है, गुलदाउदी लगा सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि प्लांट की हाइट छोटी रहे और वो बुशी बने, तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको हम 3G कटिंग कह लें, 2G कटिंग कह लें, कुछ भी कह लें, ऊपर की जो टहनी होती है उसको तोड़ दीजिए। ये देखिए इसकी साइड से कितनी ब्रांचेस निकली, जब ये पौधा इतना सा था तभी मैंने इसकी जो ऊपर की ब्रांच है वो वहाँ से तोड़ दी थी, इसकी साइड की बटा दी थी। तो देखिए 1 2 3 कि इस तरह से जो पौधा है ये फैल रहा है, और इस तरह फैलने से पौधा बहुत सुंदर लगता है। और बजाय कि एक लंबे डंडे की तरह जो प्लांट है वो बढ़ता रहे, उस पर फिर एक दो फूल खिले, उससे बेटर ये होता है कि जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप उसकी 3G कटिंग करें, मैं सब पे कर देती हूँ, उससे हमें मिलते हैं बहुत सारे फूल और फल। तो मिट्टी में कोई भी इंसेक्ट ना लगने दें, अपने प्लांट में मेलीबैग ना लगने दें, वो अटैक करता है पेरीविंकल और हिबिकस पे तो बहुत ज़्यादा करता है।
अपने प्लांट को अच्छा खाना दीजिए, हेल्दी डाइट दीजिए, वाटरिंग कम कीजिए। वैसे भी अब जो मौसम है वो ऐसा ही है कि मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो उसमें ओवर वाटरिंग मत कीजिए और ख़राब पत्तियों को हटाते रहिए, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हैं तो, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और अब तो जो है विंटर सीज़न आने वाला है, तो बहुत ही प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।